प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर यूपी की राजधानी लखनऊ में कई युवाओं और छात्रों ने पीएम से रोजगार की मांग की। बेरोजगार युवाओं ने यहां देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। रोजगार की मांग और सरकार की प्रस्तावित संविदा नीति के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि कोरोना काल में देश में पहले ही लाखों नौकरियां जा चुकी हैं। ऐसे में योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित 5 साल की नई संविदा नीति ने बेरोजगार युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम किया है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे इन छात्रों को आखिरकार पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, लखनऊ। आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए थे? हमारा बहुत संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी मांग रख रहे थे। पुलिस ने हम लोगों को हटा दिया है। हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद हम निदेशक में घूम रहे हैं। हम UGC नेट धारक हैं। हम असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री लेके घूम रहे हैं, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। आज हमारे घर की रोजी रोटी चलने लायक नहीं है। हम इस सरकार से संवैधानिक पूर्ण तरीके से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए और हमें रोजगार दिया जाए, क्योंकि युवा जाग चुका है और युवाओं के साथ धोखा ना किया जाए। हर जगह पे संविदा पे नौकरी ला रहे हैं, ये ठेकेदारी चल रही है क्या? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार पांडे है, लखनऊ विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान।